Hi, this is Live Quiz 2, Live Quiz Week 2, question number 1. So, guys, I gave the hint in the question. Hint is like there was written in the question that you have to do this question using Bang Special method. तो हम उस तरह से नहीं करेंगे कि वी देयर नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस बिकॉज यू कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस. इफ़ यू डू दिस यू विल नॉट रीच एनी वेयर, यू विल नॉट गेट टू एनी पॉइंट. तो हमें एक चॉइस को रिप्लेस करके देखना है हमें. तो पहले हम देखेंगे इसमें एफ एक्स में जो इसका पीरियड पक्का 2π तो है ही है, मतलब पीरियड नहीं, मैं कहूँगा 2π के बाद तो रिपीट करेगा ही. ऑफकोर्स साइन रिपीट करता है 2π के बाद. मैंने यहाँ पे कॉस था या साइन में मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस 2π डाला चेक करने के लिए कि 2π के बाद रिपीट करता नहीं करता. वो ज़रूरत नहीं है, वो तो करेगा ही क्योंकि कॉस और साइन रिपीट करता ही है 2π के बाद. तो ये तो पता ही है हमें, 2π तो ऑप्शन है ही है. एंड दिस रिमेन्स एज साइन एक्स, दिस रिमेन्स एज कॉस एक्स. हमें अब ये देखिए, तो ठीक है ऑप्शन है, इनमें से देखना है कि ये रिपीट करेगा नहीं करेगा, अब ये देखना है. तो पहले पाई पे चलते हैं, फिर हम हाफ कॉस, फिर यहाँ साइन, ये भी मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं, ओरली कर सकते थे. ये मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस पाई कर दिया, यहाँ पे कॉस कॉस एक्स की जगह एक्स प्लस पाई. और ये फॉर्मूला पता है आपको, ये क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस, ये रहता है माइनस साइन एक्स ये, और ये रहेगा कॉस, ये कॉस एक्स प्लस पाई इज ऑल्सो माइनस कॉस एक्स. तो अब ये जो माइनस है वो कॉस में चला गया बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये माइनस भी कॉस में चला गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया. देखो आप, राइट, जो माइनस आया था फॉर्मूले से एक्स की जगह एक्स प्लस पाई, वो माइनस कॉस में चला गया. अब हम पाई बाय टू देखते हैं. पाई बाय टू मैंने देखा, अगर देखना है कि मेरे को एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय टू रिप्लेस कर दिया, और अगर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैंने कि जहाँ पे उरली कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ लिख के कि आपको एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय टू, अगर ये सेम फंक्शन आ गया तो पीरियोडिक, फिर हम पाई बाय फोर भी चेक कर लेंगे. तो पाई बाय टू पे देखो, अब इसमें क्या बन रहा है, ये जो साइन है वो बनेगा, ये बन गया साइन कॉस एक्स बन गया ये, और ये जो कॉस एक्स प्लस पाई बाय टू है ये बनेगा कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स. फॉर्मूले आते हैं आपको, कॉस एक्स प्लस पाई बाय टू इज़ माइनस साइन एक्स, राइट. ये देखो, अब ये माइनस फिर कॉस में चला गया, तो वहीं पे आ गए हम, सेम सेम जगह पे आ गए, कॉस कॉस एक्स एंड कॉस साइन एक्स. ये अब मुझे ऐसे ही पाई बाय फोर चेक कर लूँगा, और पाई बाय फोर चेक करोगे तो पक्का ही चेंज होगा. आप देख सकते हैं पाई बाय फाइव रिप्लेस पाई बाय फोर, इट इज़ चेंजिंग. एफ एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय फोर, बिल्कुल अलग बात हो जाएगा. देखो आप, ये हो गया आपका हाफ, और यहाँ मैंने लिखा कॉस, फिर यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय फोर. अब ये तो बिल्कुल नई ही बात बन गई है. देखो आप, इसमें तो फॉर्मूला होता नहीं कि हमारा कि कॉस का साइन साइन का कॉस बन जाए, तो ये यहाँ पे हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे अनलेस यू अप्लाई कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला, वो तो और फैल जाएगा. सो वी कैन नॉट डू एनी थिंग विद दिस, वी कैन नॉट रिमूव एक्स प्लस पाई बाय फोर. सो इट मीन्स पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई बाय टू हो गया, पाई बाय टू के बाद रिपीट कर रहा है, ये चॉइस हो गई. तो ये मैंने आइडिया शुरू में फंस सकते थे, लेकिन यही तो मैंने कहा था, मतलब बाय इंस्पेक्शन करना है, चॉइसेस रिप्लेस करके देखना है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन द लाइव क्विज एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इनवर्स फंक्शन. तो यहाँ पे जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू राइट इट, जी एक्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ एक्स. तो अगले स्टेप में हम क्या लिख लेते हैं, दोनों साइड का एफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स. ये मतलब है कि अगर जी एफ का इनवर्स है तो ये आ गया, राइट right? यस, दोनों साइड का मैंने एफ ले लिया, तो यहाँ पे ये एफ इनवर्स ऑफ एफ सेम एक्स आ जाएगा. एक फंक्शन में इनवर्स ऑफ एफ सेम करेंगे तो एक्स आ गई. ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू वन, चेन रूल लगाया मैंने,
एफ का डेरिवेटिव लिया जी एक्स को फिक्स करके, फिर जी एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे गिवन किया था जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, ये निकालना है मुझे। और जी डैश एक्स यहाँ से क्या आ रहा है, जी डैश एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ जी एक्स, ये आ रहा है। अब मुझे एफ डैश पता है साइन एक्स है, राइट, तो मैंने उसके अंदर मुझे एफ डैश एक्स साइन एक्स है, मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह मुझे जी एक्स, क्योंकि एफ डैश जी एक्स चाहिए, तो ये साइन ऑफ जी एक्स हो गया इन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में जाके वन बाय साइन क्या बन जाएगा, कोसेक ऑफ जी एस, ये चॉइस मैच कर रही है, कोसेक ऑफ जी एस, दैट्स अ बी चॉइस। तो ये याद ही रखना है आपने कि अगर दो फंक्शन इन्वर्स हैं एक दूसरे के तो ये कंडीशन आती है उसके अंदर, राइट, कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स कर दिया, जी ऑफ एफ एक्स कर लो कैसे भी, क्योंकि जी एफ का इन्वर्स है तो समझो कि रिवर्स भी होगा, राइट, तो इसमें जी का इन्वर्स एफ होगा, एक दूसरे के इन्वर्स हैं इसका मतलब। तो मैं दोनों साइड का एफ ले रहा हूँ तो एफ ऑफ, दोनों साइड का जी ले रहा हूँ तो जी ऑफ एफ भी, तो ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो कैसे भी इन्वर्स फंक्शन है, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, राइट, ये अगर इन्वर्स फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्म्स तो हैं आपके पास, ये और ये इन्वर्स फॉर्म में, बट ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, एफ इज फंक्शन विच इज इवन एंड ऑड बोथ, राइट, फंक्शन ऑड भी है और इवन भी है। सो अब देखो कि अगर इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, अगर ऑड है देन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है। तो अब इन दोनों का हम कंबाइन करते हैं, राइट, दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया तो आगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ गया, ये होना ही चाहिए क्योंकि दोनों में सेम है। देखो ये एक केस में इवन फंक्शन में एफ एक्स है और ऑड फंक्शन में माइनस बबल आउट हो गया बाहर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। दिस इंप्लाइज टू टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन जीरो ही होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जीरो फंक्शन है ऐसा ग्राफ, ये देखो ये ऐसे ही हो सकता है ऐसे वाला जीरो फंक्शन, तो इसमें हर वैल्यू जीरो है, हर पॉइंट वैल्यू जीरो, तो एफ थ्री भी जीरो है और ये एफ टू भी जीरो है, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, दैट इज़ द आंसर इज सी। तो बस दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना था, वहाँ से आंसर आ गया हमारा। सो दिस इज क्वेश्चन फोर, दैट्स ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, क्योंकि पता ही है कि अगर वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है इसका इन्वर्स निकालना तो क्या करोगे, एक्स को, राइट, एक्स को वाई कर दोगे, वाई को एक्स कर दोगे और एक्स को वाई कर दोगे, ये आ गया, ये इन्वर्स फंक्शन है, यही करना है इस क्वेश्चन में हमें। और इन्वर्स फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन, दे आर एबीजीज ऑफ ईच अदर इन वाई इक्वल टू एक्स लाइन, पढ़ा था हमने कि एफ टू फंक्शन आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, देन देयर ग्राफ्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर इन वाई इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये चीज़ पढ़ी है आपने, वही अप्लाई करनी थी। तो मैंने इन्वर्स निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालनी है वाई इक्वल टू एक्स लाइन में, मतलब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब मैं इसको उठा के एक्स कर दूंगा और इसको मैं एक्स की जगह वाई कर दूंगा, तो एक्स इक्वल टू आ गया फोर माइनस वाई माइनस सेवन का क्यूब पूरे पे पावर वन बाय फाइव है, ये। लेकिन मुझे y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, इन्वर्स फंक्शन y है इसमें, तो y को x के फॉर्म में लिखना है, राइट, ये लिखा हुआ है इन्वर्स, इफ एफ एक्स इज लेट द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स अबाउट द लाइन इज जी एक्स, तो जी एक्स इन्वर्स फंक्शन हो गया, तो जी एक्स निकालना है क्या, इन्वर्स निकालना है, तो मैं इसको y लिखा हुआ है, जी एक्स ही है क्योंकि इन्वर्स फंक्शन है, तो राइट, तो यहाँ से मुझे y सॉल्व करना है, मैंने दोनों साइड की फिफ्थ पावर ली, x टू द पावर फाइव आ गया इक्वल्स टू फोर माइनस y माइनस सेवन का क्यूब, देन आई यू नो शिफ्ट दिस y टर्म टू दिस साइड, x टू दिस साइड, सो y माइनस सेवन होल क्यूब इक्वल्स टू फोर माइनस x टू द पावर फाइव, क्यूब रूट लिया, फोर माइनस x टू द पावर फाइव का रियल क्यूब रूट या वन बाय थ्री आ गया, फिर दोनों साइड पे सेवन ऐड कर दिया, तो ये मेरा इन्वर्स फंक्शन आ रहा है। और जी एक्स
एफ का इन्वर्स ही है, हमने एफ का इन्वर्स निकाला है वो जी एक्स है, तो ये जी एक्स फंक्शन निकाल लिया हमने, तो चॉइस देख लेंगे कौन सी मैच कर रही है, तो ये डी चॉइस मैच कर रही है। सो ये तीन स्टेप का क्वेश्चन था। ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ग्राफ बना के फिर आपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखने हैं। तो एक तरफ है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये इसका स्केच करूँगा, और एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने हैं कितने। तो मैंने ग्राफ स्केच किया पैराबोला, तो एक ओरिजिन से पास करेगा, यू कैन ड्रॉ दिस पैराबोला ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और टू से पास करेगा। तो और ये मैं ये एफ एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पैराबोला है। तो वर्टेक्स भी देख लेते हैं इसका, क्या आ रहा है इसका वर्टेक्स, राइट। तो ये तो ज़ीरो टू वर्टेक्स वन पे आएगा इसका, और वन पे वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो ये वन रिप्लेस करके वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो पैराबोला ऐसे जा रहा है। ग्राफ स्केल बनाना होता है, स्केल ध्यान से बनाना है इसमें। नाउ लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को, ध्यान से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स यहाँ से शुरू होगा, एक सॉल्यूशन तो यहीं से आ गया, देखो ये, फिर जब वन से टू के बीच में ये ग्राफ आता है इसका, ये ओपन है, ये यहाँ पे टू तक जाएगा, ये टू वैल्यू देखो, तब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा नहीं आया। अब हमें देखना पड़ता है कि टू और थ्री के बीच में मेरा ये कैसे होगा, ये वैल्यू क्या आएगी। देखो थ्री पे वैल्यू क्या आती है, बहुत, थ्री मैं रिप्लेस करूँगा व्हाट इज़ एफ थ्री इन पैराबोला, एफ थ्री आ गया, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स थ्री आ रहा है, तो वैल्यू टू ये थ्री ये प्रॉपर स्केल से ये थ्री वैल्यू आ रही है, थ्री पे थ्री वैल्यू आ रही है, देखो ये पॉइंट है। तो मुझे अब मुझे अपना स्टेप बनाना है, वो ऐसे जाएगा मेरा टू पे आएगा स्टेप, ये राइट। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आ गया, देखो ये मार्क कर लिए मैंने, एक ये आ चुका था, दो ये। अब तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कन्फ्यूजिंग था, अब मुझे क्या करना है, ये मैं इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा थ्री टू फोर के बीच में, ये देखो यहीं से शुरू होगा, ऐसे जाएगा वो स्टेप। तो तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया बिटवीन पैराबोला एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो मैंने पैराबोला को बना लिया, और फिर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के स्टेप्स बना रहा हूँ, और देख रहा हूँ कहाँ स्टेप पैराबोला को मीट कर रहा है, मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया। इसके पीछे बनाऊँगा तो कोई मीट नहीं करेगा, देखो है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, पैराबोला है ही नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने पहला स्टेप बनाया है, ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन ड्रॉ करी, ये आ गया, तो एक ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अगला स्टेप बनाया वन से लेकर टू के बीच में, तो वन पे आता है स्टेप। फिर अगला स्टेप टू और थ्री के बीच में स्टेप बनाना है, यहाँ स्टेप जो आएगा वो वैल्यू टू आती है, ये आ रही है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, क्योंकि देखा पैराबोला थ्री पे थ्री बन रहा है, ये पैराबोला यहाँ से पास कर रहा है, एक स्टेप बीच में यहाँ आएगा, आएगा पक्का। फिर मेरा अगला स्टेप थ्री से शुरू होगा, तो एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। इसके बाद स्टेप तो ऐसे जा रहे हैं, और पैराबोला तो बहुत ही ऊपर निकल चुका है, देखो आप पैराबोला तो यहाँ पे ऐसे निकल गया ऊपर, तो उसके बाद कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। सो वी हैव थ्री पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू फंक्शंस, सो इट मीन्स दे हैव थ्री सोल्यूशन बिटवीन देम, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया इसमें, ये टू इसमें गलत है, नन ऑफ दीज, आई थिंक आंसर नन ऑफ दीज था शायद, आई डोंट नो, अगर कोई कन्फ्यूजन आंसर है इसमें, आई थिंक नन ऑफ दीज था आंसर इसमें, पहले का होगा, मैंने पहले ही लिखा होगा, बाद में चेंज कर दिया था। नाउ विल गो टू दिस क्वेश्चन विच इज़ अगेन, आप सिंपल क्वेश्चन है, गलती कर सकते हैं कि आपने इसका पीरियड निकालना है, तो पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो वन होता है, पता है हमें, राइट इस पार्ट का पीरियड वन है, इसका पीरियड है टू पाई डिवाइड बाय पाई बाय थ्री है, टू पाई बाय एम जो पीरियड है, तो थ्री ऊपर पाई कैंसिल हो गया, थ्री ऊपर गया, ये सिक्स पीरियड आ रहा है, ये वन के बाद रिपीट करेगा, ये सिक्स के बाद रिपीट करेगा, और जो टेन टू एक्स का पीरियड क्या है, टेन टू एक्स का पीरियड होगा पाई डिवाइड बाय टू होगा, पाई बाय एम, ये अगर पता ही होगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स अगर मेरा के है, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एम एक्स, एक्स की जगह एम एक्स कर दिया तो के बाय एम हो जाता है, ये फॉर्मूला हर जगह लगाया हमने। अब यहाँ पे अब इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो क्या होंगे आपस में, एक बिल्कुल टेन फंक्शन है, एक ये साइन है, वो भी अंदर एंगल इस तरह का दिया हुआ है, टू एक्स है या पाई है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, सिंप्लीफाई नहीं होगा ये आपस में, तो इनका एलसीएम लेना है तीनों का, इनका एलसीएम नहीं होगा, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इरेशनल पार्ट है, पता है आपको पाई इरेशनल नंबर है, इरेशनल का ये रैशनल है, इंटीजर है तो ये भी रैशनल है,
तो रैशनल इरेशनल का एलसीएम नहीं आ सकता। एलसीएम दो इरेशनल नंबर का एलसीएम ले सकते हैं कि पीरियड पा टू पाई है, पीरियड पाई है, एक टू पाई के बाद रिपीट कर रहा है, एक पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो पूरा फंक्शन टू पाई के बाद रिपीट करेगा, एलसीएम ले लिया। अगर समय पाई आ रहा है तो कर सकते हैं, एक एक रिपीट कर रहा है रूट थ्री के बाद, एक कर रहा है टू रूट थ्री के बाद, तो इनका पीरियड टू रूट थ्री हो गया, दोनों इरेशनल थे। बट एक एक रैशनल है, एक इरेशनल, उनका पीरियड नहीं होगा, तो ये इट्स नॉन पीरियोडिक हो गया, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन जो कि रिपीटेशन होगा। ये एक अलग, कभी ऐसा नहीं होगा पूरा फंक्शन रिपीट कर जाए, दोनों पार्ट तीनों पार्ट रिपीटेटिव है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा नहीं आ सकता उनका कभी भी, तो कभी भी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू नहीं होंगी, क्योंकि रिपीट तभी होंगी जब एक टाइम के बाद वो सब तीनों अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए, जब तीनों दोबारा बढ़ना चाहिए। जो एक्स इक्वल टू जीरो पे स्टार्टिंग कर रही थी वो, तो दोबारा एक और पॉइंट आएगा जिससे वही एक्स इक्वल टू जीरो वाली सिचुएशन आ जाए, तब हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन है, वो नहीं हो पा रहा है, कैल्सियम नहीं हो पाएगा रैशनल इरेशनल का। सो दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोर देन वन चॉइस करेक्ट। मॉड्यूल में भी क्वेश्चन था, अगर आपने किया हो इसमें ऑडिमन चेक करना, तो प्रॉपर्टी डालोगे आप, माइनस एक्स कर दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स, फिर देखोगे माइनस बाहर आएगा, कंज्यूम हो जाएगा, या फंक्शन पूरा चेंज ही हो जाएगा, ये माइनस आ गए, प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई टू प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है थोड़ा, कैसे सिंप्लीफाई किया, मैंने एक्सपोनेंशियल पार्ट को लिख लिया, वन बाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन आ गया, यहाँ से भी बाहर माइनस कॉमन आ गया। ये स्टेप भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, इसमें आगे आएगा स्टेप जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर डिनोमीटर में, वन माइनस ई टू द पावर एक्स है, और ई टू द पावर एक्स ऊपर चला गया, माइनस पहले था साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस वन। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं इन दोनों को, अब मैं कि मुझे अब वापस सेम फंक्शन बनाना है, तो मैं मेरा अप्रोच क्या होनी चाहिए, वन तो ऑलरेडी है, तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, यहाँ पे एक तो मैंने, मुझे वापस वहीं लेके आना है, देखना है कि मेरा कोई तीन, ये एक फंक्शन नहीं था, तीन पार्ट है, तो ये वाला पार्ट मुझे देखो, ये वाला पार्ट मेरे को चाहिए चाहिए, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, प्लस साइन एक्स बाय टू कर दिया और माइनस साइन एक्स बाय टू कराया, कि मान के कि ये पार्ट तो मेरे को चाहिए चाहिए था, मैंने बना लिया। अब मैं इसको इससे कंबाइन करके फिर देखता हूँ, बाकी बचा हुआ पार्ट भी मेरा वो आता नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे किया माइनस सी टू द पावर एक्स साइन एक्स, इसको भी ऐसे रखा, लेकिन जो यहाँ से मेरा ये माइनस साइन एक्स बाय टू, माइनस साइन एक्स बाय टू, जो माइनस साइन एक्स आ गया मिलके, अब मुझे देखना है ये पार्ट मैंने बना ही लिया है जो ओरिजिनल फंक्शन में था, ये मेरा मिल गया मुझे, इसको देखना है अब क्या आता है। सिंप्लीफाई करके एलसीएम लिया, वन माइनस सी टू द पावर एक्स, ये बन रहा है माइनस सी टू द पावर एक्स साइन एक्स, पहले से था एलसीएम लिया यहाँ पर मैंने, तो माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये आ रहा है, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो वाप माइनस साइन एक्स और माइनस को मैं नीचे ले गया हूँ ई टू द पावर एक्स में, तो नीचे हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस वन प्लस साइन एक्स बाय टू। तो अब ये देखो ऐसे, तो ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया, इवन फंक्शन हो गया, वहीं पर आ गया जहाँ से शुरू किया था, इट्स एन इवन फंक्शन, ये चॉइस होगी। लेकिन दूसरी चॉइस ही बना दी थी वो तो बहुत ईजी थी, देखना ये प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की, देखो ये प्रॉपर्टी तो पता है इवन फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के भेजा और माइनस कंज्यूम हो गया, ये है प्रॉपर्टी। इसमें आइडेंटिटी होती है, इसी जगह टू एक्स कर दिया आपने, टू एक्स पर भी चलेगी, ये प्रॉपर्टी है। अब ये देख लो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी ये है सी सी है, तो ए और सी आंसर आ गए। तो पहले इवन आइडेंटिफाई करना था और फिर इवन की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने लेना था। So kind of a question which you know you should have done it. ये similar question लाइव क्विज वन में भी था कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, जी एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस मॉड एक्स, ये तो इसका ग्राफ तब बना सकते हैं जी एक्स का जब इसका ग्राफ बना लें, जी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, फिर इसका ग्राफ तभी बन सकता है जब हम जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स को वाई बेशक लिख लो, थोड़ा वाई बेटर रहेगा जी एक्स को, कि माइनस वाई इक्वल्स टू, मैंने ऐसे लिख लिया उसको पहले, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ तब बनेगा जब वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का बनेगा, ये तब होगा
जब वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का होगा, और क्या करा है एक्स की जगह मॉड एक्स किया, यहाँ पे यहाँ क्या था, यहाँ किया था वाई की जगह माइनस वाई, ये तो सेम ही है, एक ही फंक्शन है सिंप्लीफाई किया। यहाँ क्या किया मैंने, एफ एक्स की जगह पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। तो मैंने ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसको सिंप्लीफाई करते हुए बेसिक फंक्शन पे ला रहा हूँ। ये क्या है, एक्स की जगह एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स करना है ये। तो एफ एक्स यहाँ से लेके एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे ये फंक्शन आएगा, फिर एक्स की जगह मॉड एक्स करेंगे ये आएगा, फिर वाई की जगह माइनस वाई करेंगे ये आ जाएगा फोर्थ, फिर उसके बाद फाइनली हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है तो फिफ्थ आ जाएगा। ग्राफ नहीं बनाना है, इन सबसे फंक्शन को चेंज करके डोमेन आइडेंटिफाई करनी है और रीच भी करनी है, दोनों करने है। तो मेरा मैं ऑफ एक्स पे आता हूँ, सॉरी पहला यही है। अब मुझे एक्स की जगह माइनस एक्स करना है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी रिप्लेस एक्स पर माइनस एक्स, वी टेक इमेज ऑफ द ग्राफ इन वाई एक्सेस। तो इमेज लेने का मतलब है ये बड़ा जो लूप था, जो वाइडर लूप था इधर आ गया माइनस टू से ज़ीरो तक, और जो नैरो वाला था इधर आ जाएगा वन तक, ऐसे इमेज आ गई राइट हाफ लेफ्ट और लेफ्ट राइट के अंदर। तो मेरी डोमेन हो गई, इस स्टेप में डोमेन ही लिखनी है मुझे, रेंज में कोई चेंज नहीं आया, मैंने हॉरिजॉन्टली मूव किया इमेज लिए, रेंज में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मेरा डोमेन आ गई माइनस टू से वन तक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक्स की जगह मॉड एक्स करना है, ये पार्ट सारा कैंसिल ही हो गया, इसकी इमेज ऐसे ली है, इसकी इमेज ऐसे ली है मैंने। तो इस बार डोमेन मेरी चेंज हो गई, डोमेन हो गई माइनस वन टू वन, रेंज में कोई चेंज नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टली चेंज किया वर्टिकली नहीं किया, यहाँ आ गए। फिर वाई की जगह माइनस वाई किया, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट दिस, इस बार डोमेन सेम ही है इस बार क्योंकि वर्टिकली चेंज किया है, तो रेंज चेंज हो गई, अब जीरो टू वन हो गई, जो पहले ओरिजिनल रेंज चल रही थी वो अब वो तो इमेज ली मैंने, तो पहले मेरी ये था सॉरी, ये मैंने रिफ्लेक्शन लिया तो इमेज मेरी रेंज मेरी जीरो टू वन हो गई थी, जीरो टू वन। अब मैंने जब वाई की जगह माइनस वाई किया, लोअर हाफ अपर हाफ में चला गया, तो रेंज मेरी एक मिनट मेरा पहले एक्स की जगह माइनस एक्स किया, तो मैंने अपना यू नो इमेज ले ली, इमेज लेने के बाद ये ग्राफ आ गया था, जैसे वाला लूप इधर हो गया था ये ऐसे, फिर मॉड एक्स किया तो ये इमेज आ गई थी, माइनस वाई इंटू ज़ीरो था एक्चुअली। फिर मैंने इमेज लिया ये माइनस वन टू ज़ीरो, रेंज ये डोमेन है और ये रेंज है। फिर मैंने जब वाई की जगह माइनस वाई किया, ग्राफ नीचे से ऊपर चला गया, तो रेंज मेरी डोमेन तो सेम ही रही माइनस वन टू वन यहाँ पे, लेकिन रेंज मेरी ज़ीरो टू वन हो गई, ऐसे हो गई रेंज। और फिर मैंने फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने से डोमेन में कोई चेंज नहीं है। अगर आप देखो ये मेरा ग्राफ ऐसे था, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया इसके ऊपर, तो ये ग्राफ मेरा जो वन यू नो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ऐसे, पता आपको, बाकी ग्राफ को नीचे गिरा देते हैं, पता है आपको, ये ऐसे आ गया, जैसे आ गया, तो डोमेन तो मेरी माइनस वन टू वन की आ जाएगा ग्राफ। तो जब पुश करेंगे तो ये वैल्यू जो समझ लो सेंटर में थी माइनस हाफ पे थी, ये वहीं रह गई, बाकी सारा ग्राफ नीचे आ गया ऐसे। ये तो रेंज में दो पॉइंट आ गए सिर्फ, एक ज़ीरो और एक वन, और डोमेन माइनस वन टू वन है। तो आंसर हो गया बी ओ डी हो गया, डोमेन माइनस वन टू वन और रेंज में ज़ीरो टू वन। तो इसमें काफ़ी लोगों ने कर भी लिया था क्वेश्चन, तो असम जिसने नहीं किया उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ आया। पहले तो दो स्टेप हैं इसके, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हुए नीचे लेके आना है राइट, सिंप्लीफाई। पहले मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, यहाँ से मैं दोबारा देख लेते, यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। तो मुझे क्या देख रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहा था एक, मैंने सिंप्लीफाई करके, ये पाथ डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम ट्रांसफॉर्मेशन से करनी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिया मैंने, ये फंक्शन आ गया। यहाँ मैंने फिर देखा कि जो वाई था इस तरफ लिखा हुआ था मैं यहाँ ले गया हूँ, तो मैंने माइनस वाई को वाई से सिंप्लीफाई कर लिया राइट। ये मॉड एक्स भी सिंप्लीफाई कर सकते थे लेकिन पहले मैंने माइनस वाई कर लिया, फिर मैंने मॉड एक्स कर लिया, ये मॉड एक्स दिख रहा था मैंने उसको एक्स रिप्लेस कर दिया, फिर माइनस एक्स को एक्स रिप्लेस कर दिया, ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया एफ एक्स। इसकी डोमेन रेंज पता है, इसकी मैं डोमेन पता है माइनस वन से लेकर टू तक है, और रेंज इसकी माइनस वन टू वन है राइट। फिर मैंने जब एक्स की जगह माइनस एक्स किया तो इमेज लेफ्ट की इमेज राइट में, राइट की लेफ्ट में, तो डोमेन में भी रिफ्लेक्शन हो गई, माइनस वन टू टू की जगह माइनस टू टू वन हो गया, माइनस टू टू वन, रेंज वही सेम रहेगा माइनस वन टू वन।
फिर मैंने जब मोडेक्स किया तो मैंने लेफ्ट हाफ हटा के राइट की इमेज लेफ्ट में ले आया हूँ, तो डोमेन भी कुछ चेंज हो गई, जो माइनस टू वाला पार्ट हट गया खाली, राइट। जब मैं पार लेफ्ट वाला पार्ट हटा देता हूँ, मेरा इस तरह से ग्राफ था इमेज लेने के बाद माइनस टू, ऐसे ग्राफ था। तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, इसकी इमेज ऐसे ले लिया, तो मेरे डोमेन माइनस वन टू वन हो गई, रेंज से भी रहा डोमेन, रेंज माइनस वन टू ज़ीरो हो गई, रेंज भी चेंज हो गई माइनस वन टू ज़ीरो, और डोमेन ये माइनस वन टू वन चेंज हो गई। यहाँ मेन काम हुआ है। फिर मैंने वाई की जगह माइनस वाई किया, तो लोअर हाफ अपर, अपर लोअर, तो रेंज माइनस वन से ज़ीरो की जगह ज़ीरो टू वन हो गई, डोमेन सेम रहेगी क्योंकि वर्टिकली मैंने चेंज किया। फिर लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने से सिर्फ रेंज में दो ही पॉइंट रह गए हैं, ज़ीरो और वन, और डोमेन सेम ही रही है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस अच्छी हो रही है इसमें। सो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन विच वॉज मोर देन वन चॉइस करेक्ट। तो अगर आप फंक्शन देखोगे, ये वाला, ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, राइट। तो अगर मैं इसे डोमेन रेंज निकालनी है, डोमेन में अब देखो, ये जो हमें पता है कि ये जो मॉड एक्स होता है बेस में, जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन वन होना चाहिए, एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ज़ीरो और वन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, पता है बेस। तो ये मॉड एक्स ज़ीरो टू वन में आ गया, राइट। तो एक्स यहाँ पे माइनस वन टू वन आ गया। मॉड एक्स अगर ज़ीरो टू वन, ग्राफ से देख लो मॉड एक्स के, मॉड एक्स अगर ज़ीरो टू वन में है, ये ज़ीरो है, ये वन वैल्यू है, तो ये ग्राफ है। अब प्रॉपर्टी भी मैंने, रिजल्ट भी मैंने याद किया था कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स बिटवीन माइनस ए एंड ए, वही किया हमने, ये आ गया, राइट। और यहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन वन है तो एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन आ रहा है। जी सारी सारी वैल्यूज आ गई हैं, सिर्फ माइनस वन और वन और ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो हटाना पड़ेगा, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पे बेस ज़ीरो नहीं हो सकता। और यहाँ जो मॉड है वो सेम ही कंडीशन होती है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो ही होना चाहिए, एक्सेप्ट या जस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मतलब एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो में सारी वैल्यूज आ गई, एक्स बिलोंग्स टू आर, ओनली ज़ीरो वैल्यू हटानी है, ये तब आ रहा है। दोनों को मिला देंगे डोमेन के अंदर, आर वैल्यूज आ रही है माइनस ज़ीरो, लेकिन हम कह ये कह रहे हैं माइनस वन और वन भी नहीं आना चाहिए, ये बाकी ठीक है, माइनस वन टू वन आ जाए, उसके बाहर भी आ जाए, लेकिन वन और माइनस वन नहीं आना चाहिए। तो ये पॉइंट ज़ीरो हटाना है, माइनस वन वन, तीनों पॉइंट हटाने, बाकी आर आ रहा है, तो बी आंसर हो गया। इसलिए तो अगेन आई रिपीट कि लॉग में यहाँ भी मॉड एक्स है, तो ये मॉड एक्स कह रहा है कि इस बार नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, मॉड लगा हुआ है, क्योंकि मॉड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। मॉड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कि यू नो मॉड पॉजिटिव, मतलब या कुछ भी, ऑल वैल्यूज कवर हो गई, तो हमेशा मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, अब कहें ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स मॉड इज पॉजिटिव। मॉड एक्स का ग्राफ देख लो, मॉड एक्स ग्रेटर देन, मॉड एक्स का ये ग्राफ है, मॉड एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्राफ अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए, अबव एक्सिस तो है ही, ग्राफ सिर्फ ज़ीरो छोड़ दे, तो एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ज़ीरो, यहाँ पे ये आ रहा है। ऐसे बेस में जब मॉड एक्स आ रहा है, ये वन और माइनस वन नहीं होना चाहिए, मॉड एक्स नॉट इक्वल टू वन, मॉड एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, मॉड एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी चल सकता है। तो तीनों हमने हटा दिए, पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव तो है ही है, तो आर में से ये तीनों पॉइंट हटाए। रेंज निकालनी है इसकी, अभी तो वन होता है, अगर आप देखो लॉग मॉड एक्स, ये मॉड तो वन ही है, तो सेम है बेस और ये सेम होता है, वन होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वन का लेंगे तो वन ही तो आएगा, तो ये वन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वन इज़ वन, तो रेंज में एक ही पॉइंट है, दैट इज़ वन, क्योंकि लॉग ऑफ ए और बेस ए इज़ वन, अगर बेस और वैल्यू सेम है तो वैल्यू वन होती है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन वेयर वी एंड वी हैव तो इसमें पता ही आपको तीनों ही ग्राफ बनाने हैं, तो जूम कर लिया मैंने, तो जी एक्स मेरा ग्रेटर, ये बनाना है मेरे को, एफ एक्स इज, ये है एक फंक्शन है, टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जी एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स और हाफ, तीनों को कंपेयर करके मिनिमम देखना है, और फिर हमने रेंज और एरिया बाउंडेड देखना है। तो मैंने स्केच करना शुरू किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टू करना है, टू करने से स्टेप जो मेरा ज़ीरो से वन वाला स्टेप ऊपर चला गया, टू तक चला गया, वो डबल हो गया, वो ऐसे ऊपर चला गया, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, दो स्टेप बना लिए। मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ यूजिंग डिफरेंट कलर, ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, ये माइनस एक्स है, इसका मतलब सिर्फ एक्स की जगह माइनस एक्स करना है, मीन्स रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सेस, इसी की रिफ्लेक्शन लेनी है वाई एक्सेस में,
तो इसकी एक इसकी रिफ्लेक्शन इस टाइप की ऐसे आएगी, इनकी रिफ्लेक्शन ऐसे आ गई। तो चार स्टेप तो बना ही लेते हैं, इधर भी दूसरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के भी चार स्टेप बना लिए, इधर भी जाता है वो। और हमें अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देखेंगे, ऑफ कोर्स एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 के बीच में होगा, ये हाफ है। जो वाई कोऑर्डिनेट भी सिमेट्री से हाफ होगा, वन पे होगा, ये वन है सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तीसरी लाइन हाफ बनानी है हमें, हाफ बनाने का मतलब ऐसे जाएगी। अब तीनों ग्राफ बन गए, मिनिमम ले रहे हैं हमें, कहीं से शुरू कर लेते हैं। ये जीरो है, ये माइनस वन है, रिपीटेटिव है, तीनों फंक्शन रिपीटेटिव है। तो मैंने यहाँ से लेना शुरू कर दिया माइनस टू, चाहे गिवन है माइनस वन टू वन से जाना है, सॉरी गिवन था माइनस वन से मिनिमम लेना है। तो यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं, देखो ये सबसे मिनिमम है आउट ऑफ थ्री, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर दिस, फिर अगेन दिस दिस दिस, ये ग्राफ है। अब रेंज देखनी है तो रेंज तो ज़ीरो टू वन है, हम मेरा सिर्फ पिंक शेडेड ग्राफ देखो, आप पिंक वाला शेडेड ग्राफ देख रहे हैं आपने, मैंने ग्रीन से भी उस पर ओवरलैप कर दिया। ये है तीनों का मिनिमम देखना है, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे ये टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे गए हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे गए हैं, फिर हम उल्टे पे चले गए टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही गए हैं। रेंज तो आ गई यहाँ पर ज़ीरो या वन, ज़ीरो से वन के बीच में ग्राफ पूरा। अब हमें निकालना है इसका एरिया भी, अब ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के डबल करना है। देखो ये ट्रेपेजियम का एरिया है, तो ये मेरा ये लेंथ है, कैसे भी इसको ऐसे कर लेते हैं, सिमेट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा ये पूरी विड्थ वन है, तो इसका इस वन फोर्थ होगा, ये वन फोर्थ होगा, ऐसे होगा ना, ये हाफ होगा ऐसे है। तो इसका एरिया मतलब कैसे ट्रेपेजियम का भी ले सकते हो, ये लेंथ वन है और ये हाफ होगी, तो प्रॉपर फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स वन प्लस हाफ इंटू हाइट, हाइट भी इसकी हाफ है, ये हाइट हाफ है और हाफ भी होता है फॉर्मूले में, और टू से मल्टीप्लाई भी करना है, डबल भी करना है, राइट। तो ये 3/4 हो गया, टू से को मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक ट्रेपेजियम इधर भी आ रहा है, एक ट्रेपेजियम ये है और एक ट्रेपेजियम ये, दो ट्रेपेजियम है। बाकी फॉर्मूला लगा है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ट्रेपेजियम का सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मतलब दो ट्रायंगल बना के बीच में रेक्टेंगल ऐड कर लो, ऐसे कर लो, दो ट्रायंगल्स के एरिया निकाल के जो कि इक्वल होंगे आपस में सिमेट्री से, रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दो, तो उससे भी वही 3/4 आएगा, 3/4 दोनों का मिला के आएगा, सिंगल का 3/8 आ रहा है। तो ये इसमें करना था, एरिया बाउंडेड इज 3/4। तो क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस और करने से धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी बिल्ड हो जाएंगी। रेंज मैंने शायद गलत बोल दिया था, ज़ीरो टू हाफ बोला, मैं बनाया सही था, बोलने में मैं गलती से वन बोल गया था, हाफ था, ज़ीरो टू हाफ है रेंज, राइट। जो हाइट थी वो ट्रेपेजियम की हाफ है, तो रेंज भी ज़ीरो से हाफ है,